बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए, कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग-अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग-अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए, कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग-अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग-अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं
उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जाति ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा।